नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 10 झांसी की रानी भाग 11 और 12। आज के वीडियो में अपन इस कविता का 13वां अंश लेते हैं। तो इस के 13वें अंश में क्या लिखा हुआ है कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, यानी जब भारत ने झांसी पर अधिकार कर लिया, फिर धीरे धीरे भारत के कई राज्यों पर अपना आधिपत्य करने के बाद में भारतीय लोगों को, राजा महाराजा सभी को अंग्रेज़ों ने बहुत ही उन पर अत्याचार किए और उनका शोषण किया। तो उसी के कारण भारत के जो लोग थे अंग्रेज़ों से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने मन में एक स्वतंत्रता की चिंगारी उठाई थी। तो उसी चिंगारी में जब भारत के सारे लगभग सभी राज्यों के अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल बज गया, तो इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर अपने आप को बलिदान कर दिया। यानी भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दे दिया। नाना धुंधपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, यानी इस प्रकार के वीर योद्धा जो थे, नाना धुंधपंत तांतिया टोपे चतुर अजीमुल्ला सरनाम, तो इस प्रकार से इन सभी ने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, यानी ये जो वीर सैनिक थे, इन्होंने भी अपना अभिमान को बरकरार रखने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, और इन सभी के नाम भारत में अमर रहेंगे और हमेशा उनको याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों से मुक्त भारत का अभियान चलाया था और अंग्रेज़ों का जो अत्याचार शोषण जो हो रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, तो उसको ये भारतीय लोग सहन नहीं कर पा रहे थे, और जिसके कारण इन्होंने एक स्वतंत्रता की चिंगारी जलाकर अपने मन के अंदर और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। और धीरे धीरे करके सभी वीर योद्धाओं ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक प्रेरणा स्वतंत्र कराने के लिए एक मतलब अभियान चलाया, जिसमें कई वीर योद्धा हैं, जैसे कि नाना दुदुपन तांतिया, अजीमुल्ला और अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। तो इन सभी ने अपने आप को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। तो जो अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनको अंग्रेज़ों के समय इनको अंग्रेज़ों द्वारा जुर्म कहा जाता था, यानी अंग्रेज़ इन पर जुर्म का कानून लगाकर उन पर जुर्माना दिया करा जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। यानी देश को आज़ाद कराने के लिए जो बिगुल बजाया था, जो आंदोलन चलाया था, उसको अंग्रेज़ लोग उसको जुर्म मानते थे। तो उनको जो कुर्बानी, यानी जो उनकी कुर्बानी थी, तो कुर्बानी जो उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, तो वो कुर्बानी जो थी उनकी, उनके जो बलिदान होने का जो कुर्बानी थी बलिदान होने की, तो वो अंग्रेज़ लोग उसको जुर्म मानते थे। तो इस तरीके से ये जो जितने भी वीर योद्धा हुए थे भारतीय, तो इन्होंने
भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत देश से भगाने के लिए जो वीर योद्धा अमर गति को प्राप्त हो गए, तो उनका आज भी हम गुणगान करते हैं और उनको याद करते हैं। तो ये बात जो है बुंदेलखंड के जो लोग थे, जो हर हर महादेव का नारा लगाते थे, उनके मुंह से हमने इस प्रकार की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी कम नहीं थी, और उन्होंने भी अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए और मर्दों की तरह और अंग्रेज़ों का सामना किया और उनसे युद्ध किया। तो इस प्रकार से जो वीर थे हमारे, तो उन्होंने इस स्वतंत्रता महायज्ञ में भारत को स्वतंत्र कराने का जो यज्ञ छेड़ दिया था, उसमें ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और उनका आज भी हम उनका जो नाम है और उनको जो है याद करते हैं। हमारे जो वीर सैनिक थे, तो वो भी भारत को आज़ाद कराने के लिए हमेशा आगे आए। तो इस तरीके से ये नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। अब अपन भाग 14 लेते हैं, जिसके अंदर कविता का ये अंश है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद असमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से ये कविता का जो सौदवांश है, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो भारत के लोगों में अंग्रेज़ों के विरोध में जो स्वतंत्रता की चिनकारी फूट पड़ी थी, और वो फिर वही चिनकारी एक ज्वाला के रूप में पूरे भारत के अंदर फैल गई, और जिससे लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, कहने का मतलब यह है कि जो दूसरी जगहों को छोड़कर केवल हम अब झांसी के मैदानों में हमें पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए, हम झांसी के मैदानों में चलना चाहिए। सभी जगहों को छोड़कर हमें केवल झांसी के मैदान की ओर चलना चाहिए, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, यानी उस मैदान के अंदर, झांसी का उस मैदान के अंदर जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर अंग्रेज़ों के विरोध में युद्ध करने के लिए मैदान में खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, जब वो झांसी के मैदान में लक्ष्मीबाई मर्द बनकर अंग्रेज़ों के सामने युद्ध करने के लिए खड़ी थी, तो लेफ्टिनेंट वॉकर वहाँ पर आ पहुँचा और आगे बढ़ा जवानों में, और अपनी सेना को लेकर और आगे बढ़ना शुरू किया इस लेफ्टिनेंट वॉकर ने लक्ष्मीबाई के सामने। रानी ने तलवार खींच ली, जैसे वो वॉकर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा, लेफ्टिनेंट अंग्रेज़ों का जो सेनापति था लेफ्टिनेंट वॉकर, जो अपनी सेना लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, तब रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद असमानों में। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना के साथ, तो रानी ने अपनी म्यान में से तलवार निकाल कर और हाथ में ले ली, और हुआ द्वंद असमानों में, और इस प्रकार उन अंग्रेज़ों की सेना और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बीच घमासान युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, यानी जब वॉकर ने देखा कि भाई यहाँ पर जो सेना का नेतृत्व करने वाली एक महिला है, तो किस प्रकार एक महिला ने
अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और उसी वीरता के प्रदर्शन के कारण उसे हैरानी हो गई। जख्मी होकर वो अगर भाग गया, तो जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवारों के वार उन अंग्रेजी सेना पर पड़े तो और वॉकर पर पड़े तो जख्मी होकर वॉकर वहाँ से युद्ध छोड़कर भाग गया और उसे अजब हैरानी हो गई। यानी उसे हैरानी हुई कि किस प्रकार एक महिला होकर और अंग्रेजों की सेना के सामने और अपनी तलवार हाथ में लिए और युद्ध करने के लिए मैदान में उतरी है। तो उसे बहुत ही हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक भारतीय महिला जो अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए और झांसी के मैदान में खड़ी है। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, तो इस प्रकार की जो कहानी है झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की, वो कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के उन लोगों से सुनी है जो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी इस प्रकार जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो बताते हैं कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेज़ों की के विरोध में, अंग्रेज़ों के विरोध में एक मर्द की तरह और उनका सामना किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से ये कविता का ये अंश है जिसमें झांसी की रानी जो है उसके तलवारों के वार के कारण और उसके उसकी वीरता का प्रदर्शन देखकर जो अंग्रेज़ों का जो सेनापति था अपनी सेना लेकर लेफ्टिनेंट वॉकर जो था वो आगे बढ़ा, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी जो तलवार जब म्यान में से निकली और प्रहार करने के लिए उतर हुई तो लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो जख्मी होकर घायल होकर भाग गया और उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक महिला ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और एक महिला होकर और युद्ध में मैदानों युद्ध के मैदानों में जो इस प्रकार का ये वीरता का प्रदर्शन कर रही है। तो ये सब कहानी जो है बुंदेलखंड के लोग सुनाते हैं, कवयित्री बताती हैं और वह मर्दों की तरह अंग्रेज़ों से लोहा लेती हैं और वीरता का प्रदर्शन करती हैं। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लें, अगले वीडियो में मैं आपको इसका अगला अंश बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।